विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के अंतर्गत भूगोल का एक टॉपिक ले रहे हैं अक्षांश। सामान्य विद्यार्थी जब ग्लोब को देखते हैं, ग्लोब से यहाँ तात्पर्य है पृथ्वी का वास्तविक नमूना, और जब ग्लोब को देखते हैं तो उनके मन में एक आकांक्षा रहती है कि जानने की कि आड़ी तिरछी रेखाएं होती क्या है। तो आज बड़े आसान तरीके से जानेंगे अक्षांश क्या होते हैं। तो अक्षांश अगर आप देखें तो ये इसकी परिभाषा है जो दिखी हुई है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यमनोत्तर पर किसी भी बिंदु कि पृथ्वी के केंद्र पर मापी गई कोणीय दूरियां ही क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। आप इसको देखें तो ये अगर हम यहां से खींचें और इसके केंद्र में विषुवत रेखा यानी कि ये जीरो डिग्री अक्षांश ही क्या कहलाता है, विषुवत रेखा, या इसको इंग्लिश में अंग्रेजी में इक्वेटर कहा जाता है। अब इसके साथ हम कोणीय दूरियां खींचे, यहाँ इसके साथ कोणीय दूरियां खींचे, एक यमनोत्तर खींचे और इसके साथ केंद्र से कोणीय दूरियां ले, तो ये संपूर्ण कोणीय दूरियां ही क्या कहलाएंगे, इस तरीके से। तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरी कोणीय दूरियां ही खींची गई हैं और ये कोणीय दूरियां इस तरीके से मिलान हो रहा है। बाकी और इस तरीके से और देख सकते हैं हम इसको कि ये इक्वेटर है, जीरो डिग्री अक्षांश है। इस अक्षांश के साथ जो भी आड़ी रेखाएं खींची गई हैं, आप देख रहे हैं आड़ी रेखाएं खींची गई है, इसी के साथ पैरेलल चल रही हैं, अंग्रेजी में पैरेलल भी कहते हैं, यहां से ये दक्षिण में इस तरीके से। तो ये जो आड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं यहाँ 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी और ये 90 डिग्री दक्षिण, ठीक है। अब आप इसमें देखें तो ये कुल जो है उत्तर और दक्षिण, इसका एक और खास बात है कि जो केंद्र का भाग होता है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, ये जो इक्वेटर कहलाता है, विषुवत रेखा कहलाता है, ये विषुवत रेखा गोलार्ध पृथ्वी को क्या करता है, दो गोलार्थों में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है। अब इनकी संख्या की बात करेंगे तो संख्या कितनी होती है, तो कुल यहां पर 90 और इस तरीके से दक्षिण में भी 90। इनका अगर जोड़ करेंगे तो इनका जोड़ कितना आता है, 181 आता है। यहां गणित ना लगाएं, यहां भूगोल लगाएं, 90 प्लस 90। और एक जो अक्षांश है ये महान व्रत कहलाता है यानी कि विषुवत रेखा जीरो डिग्री अक्षांश। तो इस तरीके से हमने देखा। और हम देख सकते हैं खीरा है, टमाटर है, उसको आप आड़ा करके काटिए, वो भी एक अक्षांश रेखा का बहुत बखूबी रूप से आपको उदाहरण पेश कर सकता है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।